कौन हो तुम? हे आंटी, अभी क्या है ना, इस अक्की दुनिया को लालबाग चा राजा चला रहा है, पर बॉम्बे हो ना अपना राजा भाई। मतलब असली विलेन, लेकिन दिखते तो असली हीरो जैसे। आप मेरी बेटी को ऐसे घूर क्यों रहे हैं? देखिए डॉन जी, आप डॉन जी हैं तो आप डॉन जी होंगे अपने घर पर। मैं आपसे डरती नहीं हूँ। हाँ, हमें डराने की कोशिश मत करिए। तारा सिंह की फिल्म में मैं जूनियर आर्टिस्ट थी, नाम से जानते थे मुझे वो। अगर आपने कुछ किया तो मैं विजय को बुला दूंगी, वो पुलिस में है और उसके पास रिवॉल्वर भी है। भाई रिवॉल्वर। राजा कहाँ है? किसी को तो पता होगा राजा कहाँ गया है? तुम्हें इसे मुंह लटकाए क्या खड़ी हो तुम दोनों? जाओ राजा को ढूंढ के लेके आओ। जब से राजा ने उस लड़की को देखा है तब से राजा राजा नहीं रहा। बदल क्या है समझ नहीं आ रहा। आखिर बात क्या है? मम्मी, ये असली है ना? हाथ मत लगा। नैना, वो आदमी ही पैसे देकर क्यों गया तुझे? मुझे नहीं पता मम्मी। नैना, दुनिया देखी है मैंने, कोई किसी को बिना मतलब एक रुपया भी नहीं देता। हाँ, तू पहले से जानती है उसको? कहाँ मिला तुझे? बोल कहाँ मिली उसे? डांस शो में।
नैना, तू इतनी बड़ी हो गई, अपनी मम्मी से सब कुछ छुपाने लगी। अरे मुंबई का डॉन है वो, किसी गली का मामूली दादा नहीं है वो। तुझे कुछ हो जाता तो मैं क्या करती? ऐसे कैसे हो जाता? मैं था ना वहां पे, तुझे मालूम था और तूने मुझे नहीं बताया। अभी पैसे फेंक कर गया है, कल बंदूक चलाएगा तो कुछ नहीं करेगा। तुझे कैसे पता? मुझे तो वो डॉन जी एकदम पागल लगते हैं। जहां तक मेरा तजुर्बा कहता है, ऐसे लोग चिड़िया को मारना नहीं बल्कि उसे पिंजरे में बंद करके रखना चाहते हैं। वो नैना को मारना नहीं चाहता, खरीदना चाहता है। अभी तो इतने पैसे देके गया। ऐसे भाई लोगों को जो भी चीज पसंद आती है वो उसे खरीद लेते, चाहे फिर वो गाड़ी हो, जमीन हो या फिर लड़की। पसंद आ गई तो उसे, पर वो प्यार नहीं करना चाहता, अय्याशी करना चाहता है। पहले कुछ दिन अपनी रखेल बना के रखेगा, फिर जब दिल भर जाएगा तो फेंक देगा। हे भगवान, मैं जानता हूं वो कोई मामूली नाचने वाली नहीं है, इसलिए जो मैं कह रहा हूं वो करो। पूरी बंबई छाननी पड़े तो छान मारो, लेकिन मुझे प्रियमदा सिंह देव, उनकी पोती रानी गायत्री सिंह और उसके पति इकबाल अहमद खान का पता चाहिए। और अगर यहाँ की रेत छान कर भी कुछ ना मिले तो आमेर कोट जाओ। तो भाऊ, मैं क्या बोलता है? ये सब काय को करने का भाऊ? सवाल सिर्फ मैं पूछूंगा, तेरा काम है मेरे सवालों के जवाब ढूंढ कर लाना, समझा? या किसी और तरह समझाऊं? नहीं बाबू, समझ गया। ऐसे कैसे खरीद लेगा? मैं कोई भाजी हूँ जो मुझे खरीद लेंगे? और वो डॉन जी की मेरे बारे में ऐसे सोचने की हिम्मत भी कैसे हुई? मम्मी, मम्मी तू डर मत, मैं डॉन जी को जवाब दूंगी और ऐसा जवाब दूंगी कि आज के बाद किसी भी लड़की के बारे में ऐसा सोचने की हिम्मत नहीं होगी उनकी। तू चल मेरे साथ। तू पागल हो गई नैना, एक बार सोच तो ले। जब किसी की सोच बदलनी हो ना तो दो बार नहीं सोचना पड़ता। चल राजा, कहाँ गए थे तुम? बताकर क्यों नहीं गए? तुम्हारे इंतजार में मैंने खाना तक नहीं खाया। चलो, मुझे भूख लगी है। तो खाना खा लो। खत्म नहीं हुई है राजा। मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूं लैला, मेरे और तुम्हारे बीच एक हद है, उस हद को कभी पार मत करना। उस रात भी मैं तुम्हारे दरवाजे के बाहर था और आज तक कभी अंदर नहीं आया। मैं चाहता हूं कि तुम भी मेरी जिंदगी के अंदर आने की कोशिश मत करो। यह दरवाजा सबके लिए बंद है, तुम्हारे लिए भी। जस्ट गेट आउट। आवाज नीचे, तुम सिखाओगे मुझे मेरी हद? ये घर, ये ताकत और ये बिजनेस तुम्हारा नहीं है, सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा।
तुम इस सल्तनत के एक रखवाले हो, राजा बनने की कोशिश बिल्कुल मत करो। बोलो मत, तुम्हारा सिर्फ नाम राजा है और कुछ भी नहीं। तुमने मुझे मेरी हद याद दिलाई है, मैं तुम्हें तुम्हारी औकात याद दिला रही हूँ। दिमाग खराब हो गया? ये भाई लोग हैं, ये बात बात पर घोड़ा निकाल लेते हैं ना, प्लीज चलना यार। घोड़ा निकाले या टांगा, मैं किसी से नहीं डरती। हैं जी? नैना डरना चाहिए, तू पागल हो गई क्या? हम कल फिर आएंगे, अभी अभी ना डॉन जी सो गए होंगे, चलना। उन्होंने मेरी मम्मी को रुलाया है, मैं उन्हें चैन से नहीं सोने दूंगी। डॉन जी, ओए डॉन जी, आने दो इसे। सिर्फ लड़की को कैसे हुई तुम्हारे यहां आने की? क्यों? सिर्फ दूसरों के घर पर जाकर आप तमाशा कर सकते हैं? कोई और नहीं कर सकता। मैं यहाँ हिसाब बराबर करने आई हूँ। तो करो। वो जो करने आई हो करो ना। वो मैं तुमसे, मैं आपसे कुछ बात करने आई हूँ। राजा भाई, इस लड़की का ना दिमाग थोड़ा एक तो जिद्दी है, ऊपर से अकल से पीती है। इसने आपकी नींद खराब की है, मैं इसको ले जाता हूँ। आपकी नींद मेरी नींद राजा भाई।
बहुत बुरे डॉन जी हैं। मैंने 12 बार डॉन देखी है, लेकिन अमित जी ने किसी लड़की के साथ कोई बदतमीजी नहीं की। जब वो अच्छे डॉन जी बन सकते हैं तो आप क्यों नहीं? आप होंगे कहीं के राजा, लेकिन ना तो मैं आपकी रानी हूँ और ना ही आपकी प्रजा। क्या आप जो कहेंगे मैं वो करूंगी? आपको लोगों को अपने इशारों पर नचाने की आदत होगी, पर मैं आपके इशारों पर नहीं नाचूंगी। मैं आर्टिस्ट हूँ, मैं सिर्फ डांस डायरेक्टर के इशारों पर नाचती हूँ। आपके चेले आपके हाँ में हाँ मिलाते होंगे, पर मैं नहीं मिलाऊंगी। अगर आप कहेंगे दिन है तो मैं कहूंगी रात है, अगर आप कहेंगे धूप है तो मैं कहूंगी छाव है। आपको क्या लगता है मैं कोई ऐसी वैसी लड़की हूँ? नहीं, मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। हम किसी के आगे नहीं झुकेंगे। कैसी नहीं हो? कैसी लड़की नहीं हो? कैसी लड़की नहीं हो? ऐसी वैसी? ऐसी वैसी कैसी? कैसी? यहाँ क्या लेने आई हो तुम? कुछ लेने नहीं आई हूँ, लेने आई हूँ। खरीद लेते हैं और फिर उन्हें रखेल बनाते हैं, लेकिन मैं लाचार नहीं हूं। अपने बलबूते पर सब कुछ हासिल कर सकती हूँ। मुझे ना तो किसी का साथ चाहिए और ना ही सहारा। बोल लिया, मैंने ये पैसे तुम्हें खरीदने के लिए नहीं दिए थे। उस दिन डांस शो में तुम्हारे साथ जो बदतमीजी की थी उसकी भरपाई के लिए दिए थे। और तुम समझी कि ऐसा सोच भी कैसे लिया तुमने? अगर तुम ऐसी वैसी लड़की नहीं हो तो मैं भी ऐसा वैसा आदमी नहीं हूँ, समझी? आप ऐसे भी और वैसे भी है, वरना किसी की इंसल्ट करने के बाद सॉरी बोलते ना कि सूटकेस में से कपड़े निकालकर उसमें पैसे डालकर किसी के घर आ जाते। दफा हो जाओ यहां से, दोबारा मुझे अपनी ये शक्ल मत दिखाना, वरना मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। गेट आउट, अजन, गेट आउट। आप ऐसे इतने बुरे हैं, आपसे बुरा कौन हो सकता है? अजन, गेट आउट। सुनियो रे नैना ठग लेंगे,
ठग लेंगे, ठग लेंगे नैना, ठग लेंगे नैना, ठग लेंगे, ठग लेंगे नैना, ठग लेंगे। जगते जादू फूकेंगे रे, जगते जगते जादू, जगते जादू फूकेंगे रे, नींद बंजर कर देंगे, नैना ठग लेंगे, नैना ठग लेंगे, ठग लेंगे नैना, ठग लेंगे नैना, ठग लेंगे, ठग लेंगे नैना, ठग लेंगे। बेवकूफ़।